टीकमगढ़ जिले से लगभग 30 किलोमीटर दिगोड़ा थाना अंतर्गत एक बस में यात्रा कर रही 50 वर्षीय महिला को सरेआम कुछ बदमाशों ने गोली मार दी। महिला पार्वती मिश्रा दिगोड़ा ने बताया कि बस में बैठकर अपने गांव बिजरावन जा रही थी। रास्ते में 3-4 लोगों ने यात्री बस को रोका और पार्वती के सीने में 2 गोलियां मार दी। बस में हादसा होते ही बस में अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना लगते ही परिजन मौके पहुंचे और तुरंत महिलाओं को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित महिला ने बेटे रुद्र राज मिश्रा ने बताया कि घटना में पार्वती के सीने में हाथ में गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या मामला है ये? ये लगभग 6:30 बजे की घटना है। ये मऊरानीपुर से मोहनगढ़ वाली बस है, उसमें ये पार्वती मिश्रा हैं, ये अपने गांव बिजरावन जा रही हैं देवोड़ा। तो इन्हीं के साथ में बताते हैं कि 2 लड़के बैठे थे, तो उन्हीं में से किसी ने एक ने उनको गोली मारी। काहे से गोली मारी है? गोली काहे से मारी है? अब ये डिटेल नहीं मालूम। कौन थे ये पुरानी रंजन? ये भी अभी क्लियर नहीं है। अभी एक नाम आया है उसका, अरविंद सिंह। कहाँ का है सर? बिजरावन। घटना कुछ नहीं पता सर, क्या मामला है? नहीं, अभी कुछ डिटेल नहीं मालूम। हमको तो अस्पताल है, जब तक वो रेफर हो गए। बिजरावन जा रही थी सीधी, बस में गोली मारी। सोनू थे, अरविंद सिंह उनके थाने थे, उनका नाम कौन यहाँ पति पूरे जो भी हैं उनको सुशुपाल बिन से मिले पूरे उनके बोट मुर्द है। उनका कौन रपोर्ट वपोर्ट कछ लगता ही ना, हमारे सुने जाते कदम भी रपोर्ट वपोर्ट के ला। 4 साल से सजा में उनकी नौकरी चाट ली। हमें इन्हें राखू है, हमें इन्हें किलाना खाए बनो, हमें इन्हें जमीन लवाई सब कछू थे। जो जमीन है जी की वो भी हमारे संगे मौजूद थे। हम इन्हें सब कछू कहो, हमें की यार छाती में मंदी की गोली मारी। कौन सी बस में मारी गोली? हमारी मम्मी को जाप कौन सी चलती अपना यादव बस है। कितने बजे है? 6 बजे है। पुरानी रंजस भी है क्या? मतलब आपकी पुरानी रंजिश रही क्या उन लोगों से? नहीं, हमारी कुछ भी नहीं रही। देखो मम्मी का उनका मैटर था, वो तो एक ऐसा था हमारी मम्मी पहले अध्यक्ष थी, समूह की अध्यक्ष थी, अब दूसरी एक अध्यक्ष बनी गई थी, लेकिन हमारा कोई मैटर नहीं था। हमारी मम्मी बोलती थी कि आप लोगों को क्या लेना है हम लोगों से, ठीक है? तो हम लोगों को क्या लेना था, हम कुल मतलब नहीं रखते थे, लेकिन आज जाके गोली मार। किस जगह ये गोली गली? ये कितने लोग थे, कैसे थे? 10-15 लोग थे। सोनू सिंह, अरविंद, उनके पूरे सिंह, हम उनके बड़े लड़का हैं सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र खड़ा है, मैं ग्राम बिजरावन का रहने वाला हूँ, थाना दबोहा तहसील मोहनगढ़ जिला की। क्या हुआ आपकी माँ? मेरी माँ जी बस से जा रही थी अपने घर। कहाँ से कहाँ जा रही थी? दबोहा से घर जा रही थी। मैं आप 10 लोग बस में सवार, और अरविंद सिंह और हरपाल सिंह, सोनू सिंह, सुनीता राजा, मैंने 15-20 जन की गोड़ों पीछे से गाड़ी चल रही थी। ये लोग आठ दस लोग जो बस में सवार थे, जो पीछे से ये सब चल रहे, तो उनके बड़े भैया आगाई निकल गए थे, उनकी बीवी बच्चा उनके भैया आगाई निकल गए थे। इनने बीच में नदी में गोली मार दी। कोई पुरानी रंजस वगैरह थी जी सर? हमने अच्छा किया है सर, हमने उनके लिए जमीन लुवाई है। आप सब उनके गाँव में पूछवा लो सर जी, इनने घोटाला किया था 17.5-17 करोड़ रुपया का। हमारी मम्मी ने आवाज़ उठाई थी कि ये गरीबों का पैसा है सर, ये रुपया आप लिखा सकते हो, गरीबों को दुआना है। तो इनने अध्यक्ष पद से सर जी दुआ भी दिया था, उसी को लेके सर भोपाल मोपाल बहुत बस के अंदर गोलीबारी के बस के बाहर हमारी मम्मी आज 17 साल से अध्यक्ष है नेब्रो और नेब्रो कोई चुनाव नहीं। अब अभी ये घोटाले की बात खोलने के लिए कही थी, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से हटा दिया। गोली कहाँ? बस में थी तो बस में चलती हुई बस में, बस गोली मारी उसी में लोग सवार थे। बेजान तो बड़ा बीच, आप बेजान तो बड़ा बीच में नदी के तरफ से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।